वो सुबह कभी तो आएगी, माननीय उषा बहन के साथ दुबग्गा जेल में मैं थी। पत्रकार बंधु आए, पूछने लगे बड़ी तकलीफ है। नहीं नहीं तकलीफ कैसे, राम के कार्य में सब ठीक है। पत्रकार बंधु, शौचालय भी नहीं है, आप सब क्या करेंगे? बहने, हम दिशा मैदान में जाएंगे पर पग पीछे न करेंगे। पत्रकार बंधु, यदि महीनों मुलायम सिंह जी ने न छोड़ा तो? महिलाएं, तो क्या हुआ, देवकी ने कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में इतनी वर्ष जेल काटी थी, हम राम जन्मभूमि के स्थापित करने में क्या कुछ समय नहीं बिता सकते? इतनी असुविधाओं के बीच इतने आत्मविश्वास से विचलित पुरुष दल को भी दृढ़ता का सबल संदेश दिया। श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी फ्रॉम लखनऊ। माता लाल तेरे बहु तेरे। प्रयाग से वापिस आने के समय की घटना। दिनांक 30 अक्टूबर को कार सेवा में सहभागी हुई बैजापुर के 19 वर्षीय छगन से भेंट हुई। बोलते बोलते विषय निकला, मैंने पूछा, माँ ने सहजता से अनुमति दी क्या जाने के लिए? हाँ, मेरी माँ ने मुझे धीरज बांधते हुए कहा, बेटा जा तू, मुझे और भी दो बेटे हैं, एक कंधा देने के लिए और एक अग्निगट पकड़ने के लिए, तू जा यशस्वी होना। ऐसी सैकड़ों माताएं की मानसिकता ही कार सेवा के यश का आधार है। जब सौंप दिया इस जीवन को श्री राम तुम्हारे हाथों में, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस संकल्प के साथ पुना से प्रस्थान किया। उत्तर प्रदेश में पहला स्टेशन आया मणिकपुर, वहां पुलिस के डिब्बे के अंदर आई, सबको बाहर निकाला। मैंने कहा मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। उन्होंने हमें डिब्बे में बैठने की अनुमति दी, किसी को भाई किसी को कुछ बताकर और भी लोग अंदर आकर बैठे। प्रवास आरम्भ हुआ। आगे प्रयाग में ट्रेन रुकते ही पुलिस ने घेराव किया। मैं सफाई से स्टेशन के बाहर निकल पड़ी। उस दिन अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, वातावरण एकदम तंग था। एक कार्यकर्त्री ने शंकराचार्य मठ का निर्देश किया, वहां भी बहुत कार सेवक थे। दिनांक 27 को पूज्य शंकराचार्य एक विराट मोर्चे का नेतृत्व करते जा रहे थे। संगम पर स्नान किया, वहां महाराष्ट्र के दो व्यक्ति मिले, उनके साथ आगे बढ़ने का मैंने तय किया। सामान लेने के लिए आश्रम पहुंची, वहां पुलिस आई थी, भागदौड़ मची थी। मैं सामान लेकर चुपके से भाग आई, प्रतापगढ़ की बस मिली। अन्य चार व्यक्तियों के साथ मैं उसमें बैठकर चल पड़ी। प्रतापगढ़ में बस रुकी गई, पुलिस ने मेरे साथ आए हुए दो बंधुओं को उतारा। मैं घूंघट ओढ़कर बैठी थी, बीच में और एक भी भाई को उतरना पड़ा। मेरे साथ आगरे तक श्री वाटे थे। प्रतापगढ़ की स्थिति और भी गंभीर थी, वहां से पुलिस की नजर से हम लोग जैसे कह दूर रह सकते हैं, ऐसा सोच रहे थे। मैंने मन में सोचा कि मुंह से शब्द न निकल कर चुप्पी से आगे बढ़ना उचित रहेगा, परंतु जब एक भाई ने प्रश्न पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा ऐसे ही जा रहे हैं। उस भाई ने कहा, डरना नहीं है, मैं संघ स्वयं सेवक हूँ, आपको ठीक दिशा से ले जाना चाहता हूँ। कुंवर हर्षदेव सिंह हम दोनों को अपने घर ले गया, वहाँ हमारा हृदय से आतिथ्य हुआ। दूसरे दिन हम भी अशोक सिंह के घर विवेक नगर में गए, वहाँ हमारे कार सेवकों ने घर में आश्रय दिया था। उन्होंने बताया कि यहाँ से अयोध्या का मार्ग निकट है, चारों ओर पुलिस चौकियाँ है, यहाँ एक स्थान पर बैठकर क्या करें, सोचा महिलाओं का मोर्चा निकालेंगे। निर्मला भाभी को साथ लेकर घर घर जाकर सूचित किया, मैं कौसों दूरी से यहाँ कार सेवा करने आई हूँ, फिर आप इसमें क्यों नहीं भाग लेती, चलो हम सब मिलकर बैलो देवी मंदिर तक मोर्चा लेकर जाएंगे। दूसरे दिन मोर्चा राम मंदिर से सफलता से प्रारंभ हुआ। मंदिर में 6000 महिलाएं एकत्र हुई थी, उनके पास छोटे बच्चे भी थे, हाथ में ध्वज लेकर और भजन गाते गाते हम आगे चले। वहां के बंधु वर्ग रास्ते के दोनों तरफ खड़े रहकर हमें प्रोत्साहन दे रहे थे। आगे पुलिस ने हमें रोकते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे फोटो खींचने हैं, परंतु उनका मानस हमें पकड़ना ही था। हम सभी को जीप में बिठाया, परंतु कुछ बहनें आने का इनकार कर रही थी। हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज से ले गए, तब हमारी कुल संख्या 9 थी। वहां कार सेवकों का आगमन हो रहा था, नारे लग रहे थे, श्री राम के नाम की घोषणा हो रही थी, वातावरण में उत्साह था, परंतु मन में बहुत दुखी थी क्योंकि बंधन में फंस गई थी। यहाँ से कैसे भागे, एक पुलिस को मेरे मन में अवस्थागत की ध्यान में आई,
उसने मुझे जाने का रास्ता दिखाया। मेरे साथ आई एक बहन ने मुझे समझा रही थी कि मेरे साथ आई एक बहन मुझे समझा रही थी कि शुभदा तुम उस पर विश्वास मत करो, परंतु जेल से भागने का भूत मेरे सिर पर सवार था। मैंने किसी की बात नहीं सुनी और बोर होने के पहले ही दीवार से कूद कर जेल से भागी। कुछ अंदर काटने के बाद मैंने देखा तो पुलिस सिपाही सामने खड़ा। मैंने उसे कहा, आपने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते से निकली हूँ मैं कह रही थी। उतने में दो और पुलिस सामने आकर खड़े हुए, पूछ रहे थे कहाँ भाग रही हो। मैंने कहा मैं स्नान करने जा रही थी नदी पर, परंतु पहले मिले पुलिस ने ही सही बताया कि मैं भाग रही थी। आगे हम सब महिलाओं को बड़े जेल में ले गए। प्रतापगढ़ जेल में प्रवेश करते ही भगवान ध्वज देखा, संघ की प्रार्थना सुनी, हम लोगों ने मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा जोर से लगाया, परंतु मेरे साथ आई हुई बहनें चिंतित हो गई, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर के लोग घर में लेंगे या नहीं। हम महिलाओं को खूनी महिला कैदियों के साथ रखा गया। जेलर ने आकर कहा कि 7 दिसंबर तक को आपको यहीं रहना पड़ेगा। वहां समाचार पत्र से अयोध्या की वार्ता समझती थी, मन बेचैन होता था। कारावास के बीच समस्या निर्माण हुआ। हेमलता श्रीवास्तव का बेटा रितेश बीमार हुआ, उसको निमोनिया हुआ। डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा मैं दवाई देता हूँ परंतु उसको अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाइए तो अच्छा रहेगा। दूसरे दिन रितेश के पिताजी एवं गांव के अन्य बंधु आए, उन्होंने हमें हिम्मत दी। जब जेलर हेमलता को छोड़ने का वारंट लेकर आया तो उसने वारंट को नकारा और कहा रितेश रहेगा तो राम के वास्ते, जाएगा तो भी राम के वास्ते। हेमलता की यह बात सुनकर मन में आया कि अपने देश की दुर्गा शक्ति जागृत हो रही है। मेरे मन में उसके प्रति गर्व का जागरण हुआ। मन में गर्व था कि देश की स्त्री शक्ति दुर्गा रूपिणी बन काम करेगी तो देश को अपना वैभव पाने में देर नहीं लगेगी। सौजन्य शुभदा गोडबोले फ्रॉम पुणे। जय श्री राम। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पे होते हैं क्यों विवाद, शायद उन्हें मालूम नहीं है बाबर के पहले भी यहाँ राम रहते थे निर्विवाद। लाखों ने दी है जान रखने को अपनी आन, और बढ़ाई है हमारी शान, हम भी हो जाएंगे कुर्बान, पर मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ जन्मे थे श्री राम। कहते हैं कि राम नाम लेने से बनते हैं बिगड़े काम, इसलिए मैं कहती हूँ लो राम का नाम और बनने दो मंदिर का काम। कुमारी चेतना गोरे की यह कविता है जो कि बिलासपुर से है।